बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हामिद मीर और मेरे साथ को होस्ट मौजूद है रऊफ खालिद। नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आज के पैनल का मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। हमारे आज के पहले पैनलिस्ट हैं FM 97 के आरजे और एक्स प्रेजिडेंट ऑफ जुओ म्यूजिकल सोसाइटी बाबर अली साहब हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। और हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं MBBS स्टूडेंट बिलाल नासिर जो कि डिबेटर हैं। और हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं राना अली रजा जो कि मैनेजिंग एडिटर डेली नोट न्यूज़पेपर, इन्होंने हमें गुजरात से ज्वाइन किया है। नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। तो बाबर साहब, आपका और तमाम बाकी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। तो बाबर साहब, मेरा आपके साथ बहुत शुक्रिया सवाल है कि जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ आप क्यों समझते हैं, क्योंकि आप एक जामिया से आपका ताल्लुक है और फिर आप 97 FM में भी काम कर रहे हैं, तो आप क्यों समझते हैं कि जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ वो हिस्सा जिंदगी का हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हामिद और रऊफ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का लोग कह रहे हैं और गवर्नमेंट भी कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों ने रखनी है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से आप सोशली लोगों को लिंक कर रहे हैं, आपस में जुड़े हुए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको और बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले आपने ये गैर निसाबी सरगर्मियों के बारे में बात की, तो उस हवाले से मैं सिर्फ इतनी कहना चाहता हूँ कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो होती हैं वो बहुत अहम है। जहाँ पर आप स्टडी करते हैं या किसी भी इदारे के अंदर आप स्टडी करते हैं तो आपका पूरा दिमाग जो होता है वो पढ़ाई के अंदर होता है। तो मैं समझता हूँ कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ उतनी ही ज़रूरी हैं कि आपको दूसरी, चाहे वो गैर निसाबी सरगर्मियाँ डिबेटिंग की सूरत में हो या फिर वो सिंगिंग की सूरत में हो या किसी भी किस्म के इंजॉय के लिए जो आप गैर निसाबी सरगर्मियाँ इस्तेमाल करते हैं या आप अपनाते हैं, चाहे उसमें स्पोर्ट्स भी आ जाती हैं, वो भी गैर निसाबी सरगर्मियों में हामिद आ जाती हैं। तो ये बड़ी अहम है, आपको स्टडी के साथ साथ इन चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए ताकि आपकी वो जिंदगी के अंदर जो बोरियत है वो खत्म हो सके और आप जिंदगी को एंजॉय कर सकें। बिल्कुल। तो बाबर, यहाँ पे एक और बात आती है, जब जामिया गुजरात की बात की जाती है और गैर निसाबी सरगर्मियों की बात की जाती है, तो उसमें हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ढेरों सारी सोसाइटीज मौजूद हैं। तो इस लिहाज से आपने कितनी सोसाइटीज में मेन हायरार्की में रोल प्ले किया हुआ है? हाँ जी। अच्छा, 2014 में हामिद मेरा एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर और मैंने पहले 6 माह तो बस ऐसे ही गुमनाम से एक स्टूडेंट के तौर पे मैंने गुजार दिए कि मुझे कोई बंदा नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ या मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है कि मैंने क्या कुछ करना है, ऐसा वैसा, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि नात का कंपटीशन हो रहा था, तो कुछ मेरे दोस्त थे, मेरे क्लास फेलोज थे, वो मुझे लेकर चले गए हाल के अंदर। तो ए ब्लॉक में जब मैं गया तो वहां पर कंपटीशन हो रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा तुम भी पार्टिसिपेट करो, तो वो मैंने पार्टिसिपेट किया, नात पढ़ी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मैंने ये ऐसा हुआ कि जब रिजल्ट अनाउंस हुआ करीबन 3:30 बज गए, तो उस वक्त मैंने ये देखा कि जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा है तो मुझे 2nd पोजीशन मिली वहां से। ठीक हो गया। तो बस उसी टाइम मेरे जहन में ये चीज़ें स्टार्ट होना, ये चीज़ें जो है ना वो आना शुरू हो गई कि अब मैंने सोसाइटी को ज्वाइन करना है। देन मैंने इस्लामिक सोसाइटी को एज ए जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन किया और उसके बाद 2016 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की जो म्यूजिकल सोसाइटी है उसका प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ। और उसके बाद इकोनॉमिक सोसाइटी है जिससे मेरा ताल्लुक है, उसका मैं इवेंट मैनेजर, और उसके बाद एक और सोसाइटी थी ब्लड सोसाइटी को मैंने सुंदर फाउंडेशन को रिप्रेजेंट किया, उनका मैं जो जिले का प्रेसिडेंट था, जहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट विंग था जहाँ से मैं उनको ब्लड वगैरह जो है अरेंज करके देता था। और इसके अलावा एक और सोसाइटी थी जिसमें मैंने प्रेसिडेंट का रोल अदा किया है, वेलफेयर सोसाइटी थी, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो फीस अदा नहीं कर सकते थे और उन गरीब मुस्तहक लोगों को फी का अरेंज करके देता। और ऐसे करके मतलब काफी ज्यादा गैर निसाबी सरगर्मियों में मैं एक्टिव रहा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं, अभी आपने बताया ना कि आप इतनी इस्लामिक सोसाइटी को एज अ जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन किया और उसके साथ ही कुछ साल बाद आप एक म्यूजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी मुंतखब हो गए, तो ये एक चेंज कैसे देखते हैं इसे? हाँ, आप पे क्रिटिसिज्म नहीं हुई कि आप एक इस्लामिक सोसाइटी ज्वाइन करने के बाद एक म्यूजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन गए? हाँ जी, ऐसा ही हुआ। असल में मैं ना था हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मेरी एक दरगाह से ताल्लुक है, मेरा मियां मोहम्मद बख्श आरफ रूमी खड़ी शरीफ से मेरा ताल्लुक है, मैं उनका मुरीद हूँ। तो सूफी सिंगिंग जो है, वो सूफी संगीत जो है उससे मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। और मैं, आपने मेरा सोशल मीडिया पे मेरी काफी ज्यादा वीडियोस इसी तरह वायरल हुई कि मैं सूफी कलाम जो है पढ़ता हूँ, सूफी कलाम गाता हूँ, म्यूजिक के साथ भी पढ़ता हूँ, चाहे वो वारिस शाह का कलाम है, चाहे वो हीर है, इस तरह करके बाबा बुल्ले शाह का कलाम हो गया। तो ये वो चीजें हैं जब आप दरबार का रुख करते हैं ना, तो हामिद आप देखते हैं वहां पे कि म्यूजिक के साथ ये चीजें चलती हैं, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, और इसके अलावा एक हाँ ये चीजें जो दो चीजें ये प्योरली आपको फ्लूट वगैरह हो गई, ये आपको सूफी टच देती हैं। तो एक कंपटीशन हुआ था जिसमें रम्स के नाम से कंपटीशन हुआ था पहला, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ, तो मैं ना था लेकिन वो सूफी कंपटीशन था एक, तो मैंने ये किया कि मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और वो देख ले मैंने फर्स्ट पोजीशन उसमें हासिल की, जिसमें करीबन 150 से 200 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो बस वही चीज थी जिसने मुझे बिग पुश किया, और डायरेक्टर साहब थे उस वक्त, याकूब साहब थे, तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी जिस तरह हैं, और इसके अलावा वो मेरे दोस्त भी हैं जिनके साथ मैंने बहुत ज्यादा काम किया, तो उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर मुझे एज ए प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया, और बस ये सिलसिला फिर वहीं से स्टार्ट हुआ। और ये जैसा आप कह रहे हैं कि ये एकदम से चेंजिंग आई, तो चेंजिंग आने के साथ साथ मैंने, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी के, मैं आगे जाके आपको शायद आप ये मेरे से पूछ लें कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो गुमनाम टैलेंट है, जिस जैसा कि बहुत अच्छी अच्छी आवाजें, लेकिन उनको ऊपर आने के लिए ऊपर नहीं आने दिया जाता। तो बस मैं उन लोगों का बहुत ज्यादा, मैं उनको बिग पुश किया मैंने, और उनको उनकी आवाजों को पॉलिश भी किया जितना मैं कर सकता था, जितनी मेरी डोमेन थी। ठीक है, आप चूंकि हाँ उस वक्त तक मैं उन सभी लोगों को साथ लेके चलूं, बाकी आप देख लें रिजल्ट। बिलाल साहब, आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, तो आम तासुर एक ये पाया जाता है, मतलब हम आम आवाम से स्टूडेंट्स में, कि जो एमबीबीएस में एडमिशन है बहुत मुश्किल है, तो आप जो हमारे व्यूवर्स इनके बताएं कि एमबीबीएस का क्या क्राइटेरिया है, तो आप इस समझते हैं कि इसमें दाखिला लेना उतना ही मुश्किल है जितना एक आवाम में आम तासुर पाया जाता है? ये अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरी बात भाईजान आपने कहा है जैसा कि एमबीबीएस में एडमिशन, एमबीबीएस में एडमिशन लेना वाकई बहुत मुश्किल हो चुका है। पहले तो बात करनी चाहिए गवर्नमेंट मेरिट की, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मेरिट है वो ऑलमोस्ट राउंड, वो हमारी दफा जो ये लेटेस्ट मेरिट था वो 91.5 पे एमबीबीएस का मैट एंड हो गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि MCAT पहले तो होता था 1100 मार्क्स का, लेकिन अब उन्होंने PMDC ने चेंजिंग की तो 200 मार्क्स का हो गया, नेगेटिव मार्किंग भी खत्म होगी, 200 में से मैक्सिमम मार्क्स लेना रिक्वायर होता है MCAT के लिए। दूसरा, FSC में आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, पहले जो रेशियो होती थी वो ये थी कि 50% जो था वो MCAT था, 40% FSC और 10% मैट्रिक। पहले मैट्रिक का वेटेज काउंट होता था, लेकिन इस साल उसमें PMDC ने चेंजिंग किया और मैट्रिक के वेटेज काउंट नहीं होगी, अब 50% FSC और 50% हमारे पास MCAT, तो जो जितना मैक्सिमम दोनों में स्कोर कर लेगा उसका एडमिशन हो जाएगा। बात करनी है अगर प्राइवेट में करें, क्योंकि मैं प्राइवेट MBBS का आ रहा हूँ, तो प्राइवेट का मैथ भी बहुत ज्यादा टफ हो गया, क्योंकि मेरे 950 मार्क्स थे FSC में और एंटी टेस्ट में मेरे 139 मार्क्स थे, तो मेरा 8th लिस्ट में जाके नाम आया था। मतलब करने की बात करने का ये है कि मैथ बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, जैसे बंदे समझते हैं कि मैथ टफ है उसी हिसाब से उससे बल्कि 2 गुना ज्यादा मैथ टफ हो गया, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी। तो उस हिसाब से आप तो वैसे ही कोरोना की वजह से सुनने में आ रहा है कि शायद 100% वेटेज दे दें एंटी टेस्ट को, तो वो आगे PMDC डिसीजन लेने जा रहा है। ठीक होगा, तो बिलाल साहब इसमें ये चीज बताएं कि जैसे अभी यूनिवर्सिटीज और HEC प्लान कर रहा है कि 1 जून से जो है कि ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया जाए, तो आप समझते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उनके हक में बेहतर है? भाई MBBS के स्टूडेंट्स की बात करें तो उसमें तो क्योंकि MBBS इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस करनी है हमने, कल को जब पेशेंट्स को डील करना है तो वो हमने प्रैक्टिस से डील करना है, जितनी हम प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिकल किया होगा उतना हम ज्यादा अच्छा कर सकेंगे। अगर बात करें फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स के लिए, तो वो तो हम थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो थ्योरी चले कर सकते हैं। फिर सेकेंड ईयर से फॉरवर्ड कर रहे हैं जो MBBS, उनके लिए तो बिल्कुल भी आई डोंट थिंक सो के ऑनलाइन क्लासेस वैलिड होंगी। दूसरा, ऑनलाइन क्लासेस जो HEC प्लान करने जा रही है, ये डिजिटलाइजेशन बहुत एक डिवीजन की तरफ इस कॉम को ले जाएगी। डिवीजन भी इस तरह ले जाएगी कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज, जिन जिन में भी, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जितने भी अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें डिजिटलाइजेशन या ऑनलाइन क्लासेज जिसे आप कह रहे हैं वर्चुअलिटी, ये 3 तरह डिवाइड कर देगी कॉम को, 3 तरह इस तरह डिवाइड कर देगी कि एक तो हमारे पास तबका आता है जी जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस की तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो तो ऑनलाइन क्लासेस ले लेंगे। दूसरा तबका वो आता है जिनके पास लैपटॉप वगैरह या इस तरह की मेजर फैसिलिटीज नहीं, लेकिन वो मोबाइल से बाय वीडियो लेक्चर्स डील कर सकते हैं। तीसरा तबका वो आता है जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, जो इतना गुर्बत में है कि वो अपने अफोर्ड करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में, जिनको वो एक स्कॉलरशिप के थ्रू उनको फीड किया जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये ऑनलाइन क्लासेस या वैलिड होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पाकिस्तान का ज्यादा तबका गरीब है, तो ये बहुत एक दफा डिवीजन की तरफ ले जाएगा। ठीक होगा राना साहब, आप गुजरात से चूंकि ताल्लुक रखते हैं और एक जो लोकल अखबार है उसके मैनेजिंग एडिटर भी हैं, तो उस लिहाज से आप एज अ जर्नलिस्ट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट को भी खोलने जा रही है, बड़े शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने जा रही है, तो आप इस पे क्या गहरी नजर रखते हैं कि कल का जो मामला होगा गुजरात में वो कैसा हो सकता है? आया कि वो ज्यादा हमें कोरोना के पेशेंट्स की बढ़ोतरी की तरफ नहीं लेके जाएगा, क्या समझते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। तो मिर्सा को हुकूमत ने जो ऐलान किया है कल से ट्रांसपोर्ट खोलने का, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ब्रांड को भी ओपन करने का उन्होंने मंजूरी दे दी है, तो इसका फायदा चले उन ताजे बरादरी को है, उन लोगों को जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को फंड भी दिए, ठीक है, कोरोना के हवाले से उन लोगों को अब रिलीफ दिया जा रहा है। और ट्रांसपोर्ट खुलने से जिस हद तक तो वायरस ने फैलना है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कम अज कम SOPs पर अमल कर लेंगे ये ट्रांसपोर्ट हजरात ब्रांड वाले, लेकिन हमने चंद दिन पहले एक चीज़ देखी है कि SOPs नाम की चीज़ यहाँ पर कोनी थी। अगर कोई ब्रांड ओपन हुआ है या कोई दुकान ओपन हुई है तो वहाँ पर इतना रश है कि वहाँ पर वो जगह दोबारा सील करनी पड़ी है। तो इस तरह के जो हालात हैं, तो मतलब वज़ीर-ए-आज़म ने जो इनिशिएटिव लिया इस हवाले से कि चले गरीब अवाम है हमारी, हम अगर वायरस से मरे या ना मरे तो हम भूख से ज़रूर मर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो तबका है वो इस हवाले से है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो 15 करोड़ जो लोग हैं वो इस टाइम घरों में बैठे हुए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास जॉब कोई नहीं है, काम करने की कुछ नहीं है, उनके लिए चीज़ें खोली गई चलें वो अपना सर्वाइवल कर सकें आगे आके। लेकिन अगर जिस तरह ये हुकूमत ने इकदाम उठाया, हमारी हुकूमत इतना स्टेबल भी नहीं है कि वो पाकिस्तानियों को या आवाम को घर बैठा कर खिला भी सके। लेकिन ये अगर चीज़ हमें खुद में एहसास हो कि हमने SOPs पर अमल करना है, हमने सोशल डिस्टेंस कायम रखना है, हमने वो उन सारी चीज़ों पर अमल करना है जिसकी हुकूमत कानून की पासदारी करवाना चाह रही है। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो 90% जो लोग हैं वो कानून को तोड़ते हैं, 10% जो लोग हैं वो इसकी पासदारी करते हैं। तो जहाँ भी आप देख रहे हैं, अगर जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, अगर अवाम उसको मद्देनजर रखते हुए इस SOPs पर अमल करे तो मेरा ख्याल है वायरस से बचा जा सकता है। लेकिन अगर वायरस इस SOPs या इन चीज़ों पर, सोशल डिस्टेंस पर अपना काबू ना रखा गया तो ये बात मजीद बढ़ जाएगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। तो नाजरीन, बढ़ते हैं हमारे एंटरटेनमेंट के सेगमेंट की तरफ। बाकिया प्रोग्राम एंटरटेनमेंट के सेगमेंट के बात करेंगे। जी तो रऊफ जी, तो बाबर साहब, अपने सेगमेंट का आगाज आपसे करूंगा। बाबर साहब, अगर आपको मौका मिले राय देने का तो आप हरीम शाह को क्या राय देंगे? हरीम शाह को तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आप वो घर में बस रहे। ठीक है, असद, अगर आपको चौधरी परवेज इलाही को राय देने का मौका मिले तो क्या राय देंगे? चौधरी साहब को मैं बस यही मशवरा दूंगा कि वो हमारे हल्के की तरफ भी रुख करें, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े दावे करके उन्होंने वोट वगैरह बटोरे, तो मेरे ख्याल से पंजाब असम्बली के अगर वो स्पीकर वगैरह मुंतखब हुए तो उसके बाद तो मुझे वो हल्के में यहाँ पे गुजरात में नजर नहीं आए। तो उनको यही मशवरा दूंगा कि वो अपने जो गुजरात की आवाम है खसूसी, तो उनका ख्याल रखें। शहबाज शरीफ मेरा क्योंकि ताल्लुक जो है वो नून लीग से है, तो शहबाज शरीफ को मैं कुछ नहीं कहूँगा। शहबाज शरीफ को मैं कुछ नहीं कहूँगा, राय नहीं देंगे। राय बस वो हार्ड वर्किंग है, तो बस उनको कुछ भी नहीं। डॉक्टर अमर लियाकत साहब अवर एक्टर हैं, वो अवर एक्टिंग करते हैं, वो उनको कहूँगा कि वो अपने क्या देंगे राय। बस यही दूंगा कि अच्छे से वो रमजान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो बस उनको यही कहूंगा कि लगे रहें, बस रमजान ट्रांसमिशन ही सिर्फ वो करें, क्योंकि सियासत करना उनके। अगर आपको सेल्फी लेने का मौका मिले तो आप किसके साथ सेल्फी लेंगे, हरीम शाह के या फिर मौलाना फजलुर रहमान? हरीम शाह के साथ। मौलाना साहब में क्या? मौलाना साहब नहीं मौलाना डीजल साहब को क्या करना है। ठीक हो गया सर। आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है, आप सिर्फ एक को लिफ्ट दे सकते हैं, तो आप किसको लिफ्ट देंगे, वकार ज़का या फिर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान? मेरे ख्याल से फिरदौस आशिक अवान को दूंगा। तो वकार ज़का क्यों? वकार ज़का आप देख लें जिस तरह से वो, हाँ मैं मुलाकात भी हुई है उनके साथ मेरी, जब मैं कराची में था तो उस वक्त मेरी उनके साथ मुलाकात हुई है यार वहाँ पे। मैं ये समझता हूँ, मैं सिर्फ उनको इस हद तक जानता हूँ कि वो कुछ ड्यू माउंटेन वगैरह का कुछ वो डेयर वगैरह का कुछ कंपटीशन वगैरह के होस्ट वगैरह वो कर रहे थे। इस तरह से मैंने उनको सोशल मीडिया पे देखा, क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यार इसकी मेंटालिटी कितनी है या ये किस हद तक है। तो मेरे ख्याल से वो लड़कियों के साथ बड़ा बदतमीजी के साथ वो पेश आता है। बस यही वजह है कि मैं उसको लिफ्ट नहीं दूंगा, फिरदौस आशिक अवान को लिफ्ट दे दूंगा। सर आपके पास विगो 4x4 है और आप ड्राइविंग सीट पर विराजमान है, आपने अपनी 3 सीट जो कवर करनी है वो टिक टॉक स्टार के साथ, तो किस किस को मौका देंगे अपने साथ राइड करने पर? टिक टॉक स्टार में सबसे पहले तो कमल अफ्ताब को मैं मौका दूंगा, फ्रंट पे बैठे वो, और अगर उसके बैक पे आप, मैं अगर बात करूं तो मेरे कुछ दोस्त हैं इमरान तारिक, उनको बिठा लूंगा, वो भी टिकटॉक में टिकटॉक भी बनाते हैं, और उनके साथ मैं आपको ले लूंगा क्योंकि आप इंटरटेनमेंट के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। तो मेरा और आपका कॉम्बिनेशन जो होगा वो जमेगा। सर जो लॉकडाउन में जो अवाम का रवैया है, लॉकडाउन में नरमी का बात, तो क्या समझते हैं आपके ये इमरान खान जो लॉकडाउन में नरमी की है ठीक की है? देखिए जी, जैसा कि पहले हामिद भाई भी यही फरमा रहे थे कि वायरस से लोग मरे ना मरे वो एक अलग बात है, लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान ने नरमी की है तो उसने कुछ चीज सोच के ही की होगी। लेकिन हमारे जो लोग हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक देहात से है, मैं गांव से ताल्लुक रखता हूँ, तो यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि अगर एक कोरोना वायरस का अगर बंदा मर जाएगा तो फिर अमेरिका या फिर जो दूसरे कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान को पता नहीं $2000 या $3000 देंगे इमदादी तौर पर। तो इसलिए पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो जानबूझकर आवाम को इंजेक्शन के जरिए वायरस का नाम देकर मार रही है। ये हमारे लोगों की मेंटालिटी है, ठीक होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान ने इस चीज को ओपन करने का सोचा है तो उसने सिर्फ अपने गरीब तबके को सोच के किया है। और दूसरे नंबर पर ये कि अगर SOP को फॉलो किया जाए रऊफ भाई, तो मेरे ख्याल से हम बड़ी तबाही से बच सकते हैं। जी ठीक, बाबा साहब आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जी। तो बिलाल भाई, अगर आपको राय देने का मौका मिले तो आप हादिम हुसैन रिजवी को क्या राय देंगे? उनको यही राय देंगे कि गाड़ियां काम कर दें, आप आर्मी में दीन है, आपको शोर नहीं करते। काफी मजे की गालियां होती हैं यार। अब तो उनकी गालियों के रैप वगैरह भी बन गए। हाँ देखिए, अगर आपको मरियम नवाज साहिबा को राय देने का मौका मिले तो राय देंगे? उन्हें यही राय देंगे कि अपने खानदान में पहले यूनिटी बना ले तो फिर सियासत में आइएगा। ठीक हो गया। उस्मान बुज़दार साहब चीर बंदे हैं, उन्हें यही कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी के साथ सही बना के अपने 5 साल बूढ़े करें। तो डॉक्टर आमिर लियाकत, उन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए, वो एक्टिंग में बेस्ट है, वो इस काबिल नहीं कि उनको सियासत में जगह मिले। हाँ जी, सियासत उनके बस की बात नहीं है। सर अगर आपको सेल्फी लेने का मौका मिले तो आप किसके साथ सेल्फी लेंगे, हादिम हुसैन रिजवी या फिर हरीम शाह? बाबा जी हादिम हुसैन रिजवी। ठीक हो गया। सर आपके पास भी विगो 4x4 है और आप ड्राइविंग सीट पर विराजमान है, आपके पास भी 3 सीट, आपने उनको कवर करने के लिए 3 पॉलिटिशियन लड़कियां चूज करनी है पाकिस्तान में से, तो कौन सी चूज करेंगे? एक मरियम नवाज कर लेंगे, एक हिना रब्बानी खार कर लेंगे, और तीसरी ठीक है तीसरी कौन सी करेंगे? तीसरी किसको बिठाएंगे पहले ये बताएं। फ्रंट पे हिनार पानी खा दो। ठीक हो गया। एक पीछे मरियम नवाज और एक लड़की बचती है पीछे, लेकिन लड़की चूज कीजिएगा, आंटी नहीं। लड़की चूज कीजिएगा, वो क्लाइमेट मिनिस्टर जरताज गुल। तीनों प्यारी, ठीक हो गया, काफी अच्छे से। सर ये जो आप पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स के बाहर जो रश देख रहे हैं, तो क्या समझते ये वही लोग हैं जो लॉकडाउन में नरमी की समझते कि लोगों कहते कि हमें राशन नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, ये वो लोग हैं जो ब्रांड्स बाहर हैं? जी नहीं, ये तो वो लोग नहीं है। देखें, जिन लोगों को राशन नहीं था मिल रहा वो हमसे ज्यादा बेटर है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा बेटर है। वो अभी भी घर में, मतलब जितना तक उनकी मेंटालिटी है उतना अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग बाहर निकले हैं ये लिटरेट बंदे भी है, लेकिन फिर भी एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे और ब्रांड्स के बाहर रश लगाया हुआ है। देखें, ईद आनी जानी है, ईद आगे भी आ जाएगी, जिनकी रही तो फिर ईद आ सकती है। पढ़े लिखे लोगों का मुजाहरा करना चाहिए। सर अगर आपके पास कोरोना की वैक्सीन हो और आप किसी एक को बचा सकते हैं, किसको बचाएंगे, मरियम नवाज या फिर इमरान खान? इमरान खान। सर आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जी हामिद। अच्छा बाबर साहब बताइएगा कि मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में कहा जाता है कि जो 2-3 सोसाइटीज हैं उन पे काफी रूज रहा है। एक यूओ जी म्यूजिकल सोसाइटी है, एक ओडियम आर्ट सोसाइटी है, तो कहते हैं कि जो यूओ जी म्यूजिकल सोसाइटी है इसकी जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसके लिए डोर टू डोर कैंपेन करनी पड़ती है, वोट लेना पड़ता है। तो आया कि आपकी दफा भी ऐसा ही था? अच्छा ऐसा नहीं है। इस सोसाइटी का आगाज निसार शाह ने और जुखे बाबर ने किया, जिसको जुखे बाबर वो हैं जो जिनको पिछले लक्स अवार्ड में उन्होंने म्यूजिक का अवार्ड भी दिया था। उसके बाद निसार शाह ने इस चीज का बेड़ा उठाया और जामिया गुजरात में म्यूजिक को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें की और उनकी कोशिशें आपके सामने भी हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा कम्पिटिशन वगैरह करवाए और जिस कम्पिटिशन के जरिए मैं आया हूँ रम्ज को जीतने के बाद, वो रम्स का कंपटीशन भी निसार शाह ने अरेंज करवाया था। जामिया गुजरात में आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि 2 से 3 सोसाइटीज ऐसी हैं जो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनमें से आपने सिर्फ 2 का नाम लिया, लेकिन मैं उनमें से 2 चीजों का और इजाफा करना चाहता हूँ। एक तो म्यूजिक होगी, एक ओडियम सोसाइटी है, तीसरे नंबर पर डिबेटिंग सोसाइटी है और चौथे नंबर पर क्विज सोसाइटी है। ये 4 बड़ी सोसाइटीज हैं जो कि कलमकार भी है, काफी अच्छे से जा रही है आजकल। हाँ जी, कलमकार सोसाइटी तो खैर है तो पुरानी, लेकिन उस तरह से वो एक्टिव नहीं है और ना ही लोगों का इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। उर्दू अदब में आपको पता लोग एंजॉय करते हैं, वो चाहे वो डिबेटिंग है चाहे वो म्यूजिक है। तो ये 2 जो चीजें हैं, या हम थिएटर वगैरह देखने के लिए, थिएटर तो मेरे ख्याल से मैथ काम वाली संभाल के रखी हुई है अपने पास ही। तो बाबर साहब आप समझते हैं कि सोसाइटीज के लिए कोई सालाना बजट मेंटेन किया जाता है या उनके कोई ये फिक्स होते हैं, मतलब प्रोग्राम्स वगैरह कि आपने ये करना है ये नहीं करना? अच्छा मैं आपके सवाल पे बाद में आऊंगा, लेकिन पहले जो आपका सवाल था मैं उसका एक बार कंप्लीट जवाब दे दूं। जैसा आपने कहा कि डोर टू डोर आपको जाना पड़ता है, ऐसा नहीं था। हुआ ऐसे कि जब मैं प्रेसिडेंट था, मैं 2 साल म्यूजिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा और जब मेरे से अगले प्रेसिडेंट ने आना था, और आप भी समझदार हैं माशाल्लाह, आप सोसाइटी के अंदर भी रह चुके हैं और मेरे ख्याल से आप 1-2 सोसाइटी में अभी भी एक्टिव हैं। जो आपकी मैथकॉम की सोसाइटी है, मेरे ख्याल से मुझे अब उसका नाम नहीं, रीडर्स क्लब, आप रीडर्स क्लब में भी हैं। तो ये आपको सारी चीजों की समझ है कि किस तरह से सोसाइटीज चलती हैं। और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अगर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, आप सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और आपको इस चीज का इलम है कि मेरे साथ पूरा 1-2 साल किस बंदे ने एक्टिव होकर काम किया है, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ आप एक उस इंसान को देखते हैं जो कि किसी दूसरे के साथ आपके सामने आके खड़ा हो गया है, दूसरे किसी मैनेजमेंट के बड़े ओहदेदार की सपोर्ट के साथ आपके सामने खड़ा हो गया और आपके सामने डट गया कि मैंने इस पोस्ट को लेना है। तो आपका क्या जवाब होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ पहले। बिल्कुल डेफिनेटली आप उसके लिए लड़ेंगे? बात मेरिट की होगी, लड़ा जाएगा इस बात, आप लड़ेंगे ना उसके खिलाफ? मैंने भी ऐसे ही किया, मैं भी उस चीज के लिए लड़ा हूं। मेरे साथ वो लोग काम करने वाले थे हामिद, जिन लोगों ने रात को सर्दियों के अंदर ऑडिटोरियम का जो स्टेज है उसके ऊपर बगैर किसी चीज के वहां पर वो सोए, ठीक होगा। मेरे साथ वो भी लोग थे, मेरे साथ वो लोग मौजूद थे जिन्होंने रात 8-9 बजे तक एकेडमिक ब्लॉक्स के बाहर वो पैनल वगैरह रखे, वो भी तो लोग मेरे साथ थे। लेकिन अगर रजाई के साथ और एक कंबल से में लिपटे हुए लोग रातों को सोकर जनाब और सुबह उठकर वो दूसरे लोगों की थपकी लेकर आपके सामने खड़े हो जाएं तो आपको लड़ना तो पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैंने भी ये ठान ली और आप ये आप देख सकते हैं, इसकी वजह से मुझे जुर्माना भी हुआ है। 5,000 रुपया मैंने डिसिप्लिन कमेटी को जुर्माना दिया इस चीज की वजह से कि मैंने अपने हायरार्की मेंबर के लिए लड़ाई ली। लड़ाई तो बड़ी दूर की बात, सिर्फ ये है कि मैंने मैनेजमेंट का सामना किया कि भाई आप लोग गलत कर रहे हैं, ये सीट इस बंदे की बनती है जिस बंदे ने मेरे साथ काम किया है। तो जामिया गुजरात के अंदर मैं आपको ये वाजे तौर पर और क्लियर कट बात बता दूं कि यहाँ पर आप जो कुछ भी करें, जो कुछ भी आप कहें, आपको क्योंकि इस चीज का पता है, आप अगर आपने सवाल किया है तो आपको इसके बैकग्राउंड का पता है। रऊफ आपके साथ जो आपका होस्ट है उसको इस चीज का पता है कि किस तरह से कैंपेन चलाई जाती है इलेक्शन की। आपको पहले इंटरव्यू की कॉल दी जाती है, ठीक हो गया हामिद जी? जी, आपको पहले इंटरव्यू की कॉल दी जाती है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और फला सीट के लिए हमने इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं। ये गूगल फॉर्म है, आप इनको फिल करें, फला दिन फला टाइम के ऊपर एफएससी के अंदर फला रूम के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। सही हो गया। अब हक क्या है? हक क्या है? हक ये है कि जो आपने पैनल वहां पे बिठाया है आप उसकी बात माने, ठीक हो गया? वो जो फैसला करती है, जिस बंदे को आपने प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया है उसको जाहिर तौर के ऊपर आप उसको पब्लिश करें, आवाम के सामने लेके आए आप उसको। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बस ये ढोंग रचाया जाता है कि हम इंटरव्यू कंडक्ट करने लगते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं 4 साल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में रहा हूं और इस चीज का मुझे बखूबी इलम है। ना सिर्फ म्यूजिक सोसाइटी बल्कि जितनी भी सोसाइटीज हैं हामिद, जितनी भी सोसाइटीज हैं, आप उसे अभी भी किसी भी सोसाइटी के, मैं 2 साल हो गए यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से पास आउट हो चुका हूं, ठीक है? आप मुझे अभी भी किसी सोसाइटी का नाम लेकर बताएं, मैं आपको उसके अगले प्रेसिडेंट का नाम अभी बता देता हूं। अब आप नाम लेकर बताएं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता है कि जिस बंदे ने टीसी करनी है ऊपर जाके, भाई उसी बंदे ने आपका अगली कमान सोसाइटी की थामनी है। मुझे इस चीज का पता है, ठीक हो गया? मैं क्लियर, मैं इसलिए जज्बाती हो रहा हूं क्योंकि मैं सर्व किया है, मैंने सोसाइटीज को सर्व किया है। कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी जामिया का जो कोई स्टूडेंट होता है वो उसका असासा होता है, ठीक है? अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का अगर स्टूडेंट हूं, मैं अगर कोई बाहर निकलकर कोई अच्छा काम करूंगा तो लोग मुझे कहें कि ये बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का ग्रेजुएट है, ठीक हो गया? अगर मैं कोई गलत काम करूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात तो पढ़े, ऐसे, ठीक हो गया? ऐसे ऐसे ताने मिलते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मुझे याद नहीं रहा जुरात को, मैं 7 ऐसे अवार्ड मौजूद है जो मैंने पहली पोजीशन के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को दूसरी यूनिवर्सिटी से जितवा के दिए। मैं अब आपको गिनवाता हूँ उसको, मैं अब उसको गिनाता हूँ। नमल यूनिवर्सिटी से मैंने सूफी सिंगिंग का पहली पोजीशन के साथ मुकाबला जीता, ठीक हो गया? दूसरे नंबर पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने नात का कंपटीशन ऑल पाकिस्तान का मैंने जीता, ठीक है? डायलॉग राइटिंग में मैं बड़ा माहिर हूं, ठीक है? मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी से डायलॉग राइटिंग का अव्वल नंबर पर पोजीशन में मैंने वो कंपटीशन विन किया। उसके बाद मैंने सीएम हाउस से नेशनल सॉन्ग का कंपटीशन विन किया अगस्त के अंदर, ठीक है? इस तरह कार्य करा गया। रम्स मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर 2 जो हुए वो मैंने विन किए। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप इतना काम करते हैं सोसाइटीज के लिए बगैर किसी लालच के, देखें हामिद, हमें कोई भी सोसाइटी जो है वो पे नहीं करती, पैसे नहीं देती आपको कि अगर आप प्रेसिडेंट हैं तो भाई आपकी फीस माफ है, या आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो यार ये लो आपकी इस साल की सेमेस्टर की फीस माफ हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद अपने पैसों के ऊपर जाके कंपटीशन विन करके आए हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए उन्हीं लोगों को ऊपर लेके आते हैं जो इनके सामने बोल नहीं सकते। बिल्कुल। बाबर साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा और इसका बड़ा मुख्तसर जवाब दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। तो यानी कि आपके मुताबिक जो हायरार्की सिलेक्ट होनी होती है, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी है, वो मतलब इंटरव्यू की कॉल से पहले ही सिलेक्ट हो चुके होते हैं, जिस उसके बाद ढोंग रचाया जाता है। भाई देख लें, मैंने आपको ये चीज पहले ही जाहिरी तौर के ऊपर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं हामिद किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी बंदे का नाम नहीं लिया अभी तक कि भाई कौन लोग हैं जो इनको भाई सिलेक्ट करके आगे ले आते हैं। मैं ऐसा वैसा किसी बंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आपको ये क्लियर बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू का ढोंग रचाया जाता है, ठीक है? कहा जाता है कि जनाब फला जगह पर आपके इंटरव्यूज हैं, वो इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, लेकिन आप देख लें जनाब वही चेहरे आपको नजर आएंगे वहां पे जो पहले थे, मैं आपको भी पिछली चीज मैंने आपको पहले सवाल के अंदर आप इस चीज को आपके माशाल्लाह भी मेरे ख्याल से चौथा सेमेस्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर, ठीक है। तो ये इंटरव्यू मेरा जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं ये आपको अगले 2 साल तक याद रहेगा, बल्कि अगले 2 साल से भी बाद याद रहेगा। वो इसलिए कि ये जो चीजें हैं ये आपको अमली तौर के ऊपर आपको नजर आएंगी वहां पे, ठीक है। रऊफ आपके साथ ही है, रऊफ इस चीज को समझता है कि जो लोग डिजर्विंग है, जो लोग वाकई सही मानों में काम कर रहे हैं जामिया के लिए या किसी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है। और मैं आपको आपकी बात का जवाब जो है वो यही है कि वो जो चीजें हैं वो सिलेक्ट होती हैं, पहले से सिलेक्ट होती हैं। आपका पॉइंट आ गया। अच्छा बिलाल से बताइएगा, मतलब मुख्तसर से करके जो कोरोना वायरस से इसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स की लाइफ पे, और वो लोग जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इसके कितने इम्पैक्ट्स बढ़ सकते हैं मजीद अगर हम इस पे काबू ना पा सके तो? जी भाई, सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो कोरोना वायरस अभी तो पहली बात है कंट्रोल होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि WHO की जो स्टेटमेंट आई है, डेटा स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि आपको इसके साथ ही चलना पड़ेगा, अभी इतनी जल्दी ये कंट्रोल नहीं होगा। अगर हम इसके सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो लेट्स सपोज कि ये कंट्रोल हो जाता है, अल्लाह करे जल्दी से जल्दी क्लोज हो, कंट्रोल हो जाए, उसके बाद इसके सोशल इम्पैक्ट ये होंगे कि जब किसी भी आप फर्ज करें आपने स्कूल जाना है या कॉलेज में जाना है या बच्चों ने जिधर भी जाना है, तो उधर जाके वो एक दूसरे से मिलने में ग्रेज करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलने में काफी ग्रेज करेंगे। इसके सोशल इम्पैक्ट्स बहुत 1 से 2 महीना लाइफ को नॉर्मल होते लगेगा। तो आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, आप भी एक दूसरे से थोड़ा दूर रह के मिलने की कोशिश करेंगे कि करीब ना हो जाए, ये सोशल इम्पैक्ट्स उसके होंगे। दूसरी बात ये है कि कोरोना अभी तक आप कह रहे हैं कि कंट्रोल होता नजर नहीं आ रहा, कंट्रोल इसके लेटेस्ट एक बयान था एक मिनिस्टर को, उन्होंने कहा कम से कम भी अभी इसको नॉर्मल होते 6 साल लगेंगे, 6 साल, एक मिनिस्टर का बयान था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। WHO की स्टेटमेंट थी, उन्होंने भी कहा है कि अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। अगर वैक्सीन की बात करें तो 1.5 साल से पहले तो इसकी वैक्सीन पानी नहीं सकती, क्योंकि 3 फेजेस से 3 ट्रायल्स उसने क्लियर करके तो वैक्सीन की तरफ आना है। तो इसके सोशल इम्पैक्ट्स बहुत बुरे होंगे, एक तो लाइफ को नॉर्मल होते बड़ा टाइम लगेगा, दूसरा लोग एक दूसरे से दूर रहने में महसूस करेंगे। ये बताइएगा कि जो इकोनॉमी है आप क्या देखते हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है कोरोना से पहले ही बदहाली का शिकार थी और GDP रेशो आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ मुड़ रही थी, तो अब आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है अगले साल तक कहाँ देखते हैं उसको स्टैंड होते हुए, या अगले माह में कहाँ उसे स्टैंड होते हुए देखते हैं कि आया कि वो स्टेबल कर पाएगी चीजों को कोरोना के होते हुए? जी मीर साहब, ये बात 1 महीने की नहीं है, ये 1 साल की नहीं है। अरबों खरबों का नुकसान है पूरे पाकिस्तान का हुआ है, उसके अंदर कारोबारी तबका है, उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर हर वो रहने वाला आदमी है जो इस किसी चीज में के साथ मुंसलिक है, हर उस बंदे का नुकसान हुआ है। तो ये 1 साल की बात नहीं है। पाकिस्तान अगर 50 साल आगे था ना, एक फॉर एग्जाम्पल, वो 50 साल पीछे चला गया है, ठीक है। अब ये दोबारा से रिकवर होते हुए टाइम लगना है, इसको दोबारा से मीटिंग स्टार्ट होगी दोबारा। लेकिन अब जब ये जो बात हो रही है वायरस की, तो ये हमारे साथ ही चलता रहेगा, तो ये भी कहना मुश्किल है कि शायद ये मीशत उस तरह दोबारा स्टेबल हो भी पाएगी कि नहीं। बिल्कुल ठीक होगा। अब बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया नाजरीन। फिर मुलाकात होगी मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ और मुख्तलिफ मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान हामिद मीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।